हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये मेरा कल का व्लॉग का क्विक रिकैप है। मैंने मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आपके साथ शेयर करना सोचा था, तो वो व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसीलिए मैंने उसको वहीं पर ड्रॉप आउट कर दिया था और उसी का पार्ट टू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये क्विक रिकैप देखने के बाद आपको इसके आगे का कंटिन्यू देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा मेरे वीडियोस को। सो फ्रेंड्स, स्कूल गई थी मैं, मैंने आपको दिखाया था सुबह सुबह, मैं सारा काम दिखाई थी आपको, सुबह से मेरा रूटीन क्या होता है वो सब कुछ मैंने दिखा दिया था। फिर मैं स्कूल जा रही थी, वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। और अब मैं स्कूल से वापस आ गई हूँ, तो आने के बाद मैंने कुहू को लंच कराया, उसको नहला के उसको लंच करा दिया है, और लंच कराने के बाद मम्मा को लंच करा के खुद भी लंच कर लिया है। और सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक का सारा यूटेंसिल्स वैसे ही पड़ा था, क्योंकि स्कूल जाना था। तो अभी वापस आई हूँ, वो सारा देखिए इधर वैसे ही पड़ा हुआ है। ये देखिए कितना सारा है, ये देखिए पूरा सिंक भरा हुआ है बेसिन से, ये सॉरी यूटेंसिल्स से। तो अभी मैं इस सारे को क्लीन करूँगी, और उसके बाद किचन क्लीन करके, और उसके बाद तब मेरा एलवी का टाइम हो जाता है, तो मैं एलवी स्टार्ट करूँगी। अभी 1:30 बज रहा है, 2 बजे के आसपास मैं एलवी करती हूँ, तो मैं उसका टाइम हो जाएगा तो फिर मैं वो करने के लिए चले जाऊँगी। तो आज मेरे व्लॉग में यही देखने को आपको मिलेगा, मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून रूटीन, और देखती हूँ मैं शायद शाम का भी रूटीन इसके साथ कंटिन्यू, मैं पूरा होल डे का रूटीन सोच रही हूँ कैप्चर करूँ। तो अभी दोपहर को मुझे ये सारा कुछ साफ कर लेना है, क्लीनिंग वगैरह कर लेनी है, उसके बाद एलवी करना है। एलवी करने के बाद मैं फिर से आपको मिलती हूँ मेरे शाम के टाइम में, मैं और क्या क्या करती हूँ वो दिखाने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आई होप आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करिएगा जो लोग न्यू है मेरे वीडियो पर। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप लोग सब्सक्राइब बटन के बगल वाला जो बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करिएगा जो भी न्यू है मेरे वीडियोस पर। तो चलिए फटाफट से ये क्लीनिंग वगैरह का काम निपटा लेते हैं, और मैं मिलती हूँ आपसे शाम को फिर से। देखिए मैंने सारा किचन क्लीन कर दिया है, ये देखिए सारा काउंटर टॉप जो है वो क्लीनिंग हो गई है, ये देखिए गैस वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया है। इसमें मैंने पूरी बनाई थी तो उसका ऑयल है, तो वो मैं किसी बॉक्स में डाल दूंगी, किसी कंटेनर में डाल के फिर इसको क्लीन करूँगी बाद में। फिर ये सारे यूटेंसिल्स यहाँ से जो क्लीन किया था वो सब हटा के स्टैंड में अरेंज कर दिया है, जो चम्मच वगैरह था वो इधर अरेंज कर देती हूँ मैं, और जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको मैं यहाँ नीचे रखती हूँ, ये देखिए। तो सारा कुछ मैंने रख दिया है, और अभी दूध जो सुबह आया था, मैं स्कूल में थी तभी दूध आया होगा, तो मम्मा ने ऐसे ही कच्चा कंटेनर सब में एक एक बर्तन में, ये देखिए एक जगह से दो जगह से आता है अलग अलग दूध, तो ये देखिए ये मम्मा ने इस तरह करके रखा है। तो अभी मैं इसको छान कर और जल्दी से बॉयल कर लेती हूँ, तो मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी ताकि इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ हो तो नहीं आएगा। जैसे गाय का दूध दूहने के टाइम में वो पैर से मारती है तो गोबर वगैरह चला जाता है, तो इसलिए इसको हमेशा दूध आने पर छान के ही बॉईल करते हैं हम। तो फाइनली ये दूध भी उबल जाएगा, और ना मुझे थोड़ा सा चना अभी भिगोना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड शाम को चना मूढ़ी के साथ खाते हैं मिला के, तो मैं भूल गई थी भिगोना, वो कहीं गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, तो आज ही आए हैं, तो 2 दिन से मैं नहीं कर रही थी तो अभी भूल गई थी, तो अभी कर देती हूँ फटक से। थोड़ा सा हॉट वाटर में अगर इसे पानी गर्म कर लिया है, और उसमें चना डाल दूँगी, ये देखिए।
सो गाइस दोपहर का काम ये ख़त्म हो गया, लगभग 2 बज चुके हैं। तो अभी दोपहर का काम ख़त्म हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलेगा। रेस्ट क्या, मैं एलवी करने जा रही हूँ और एलवी करने के बाद फिर और भी काम स्टार्ट होंगे। शाम का चाय, छत पर से कपड़ा ले आना है और भी फिर डिनर वगैरह, सब बहुत सारे काम हैं। तो शाम को मैं फिर से मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड्स, दोपहर को आपने देखा था मैंने सारा क्लीनिंग वगैरह करके, ये देखिए चना फूलने के लिए दिया था, फूल गया है। और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने एलवी करने चली गई थी, एलवी कर रही थी, एलवी मेरा चल ही रहा है अभी। फिर मैं चाय बनाने के लिए चली आई हूँ, ये देखिए मेरा चाय बन रहा है, बन ही गया है। और अब हम और मम्मी चाय पियेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैं छत पर जाऊँगी कपड़ा ले आने के लिए, वो सब मैं समेट लेती हूँ, फिर मैं आपसे और बातें करती हूँ। तो फटाफट से पहले चाय पी लेती हूँ, फिर चलते हैं छत पर। सो गाइस देखिए चाय बना लिया है मैंने, और मम्मा को चाय देने के बाद मैं खुद भी चाय लेके चली आई थी। और एलवी कंटिन्यू था तो उसको अटेंड कर रही थी और साथ ही मैसेजेस उन लोगों का पढ़ रही थी, अपने फ्रेंड्स लोग का। तो एलवी कंटिन्यू करने के बाद फिर मैं छत पर जाऊंगी कपड़ा लेने के लिए। तो इन्जॉय गाइस इस व्लॉग को, मैं रात तक कंटिन्यू करने वाली हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। सो गाइज मैं छत पर आ गई हूँ और चाय पी लिया है, चाय पीने के बाद ऊपर आ गई हूँ और यहाँ पर सारा कपड़ा देखिए पूरी तरह से फैला हुआ है। तो ये देखिए, तो सबको समेटना है और उसके बाद फिर चलते हैं नीचे। और नीचे मेरी एलबी भी चल रही है, गाना बज रहा था इसलिए मैंने वॉल्यूम म्यूट रखा है। तो फटाफट से समेट लेते हैं। तो गाइस सारा कपड़ा समेट लिया है और चलते हैं नीचे, इसको नीचे रख के उसको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इसको वार्डरोब में अरेंज कर देंगे। तो देखिए गाइस सारा कपड़ा छत से ले आई मैं और उसके बाद मैं इसको फटाफट से फोल्ड करके उसके जहाँ जहाँ उसका प्लेस है रखने वाला वहाँ वहाँ उसको अरेंज करके रख रही हूँ वार्डरोब के अंदर में। कुहू का साइड एक साइड में और मेरा अलग, और मेरे हस्बैंड का अलग, मम्मा का अलग, सब जिसका जिसका जहाँ रहता है वैसे करके अरेंज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर शाम में मेरे हस्बैंड बाहर से आए थे, कहीं गए हुए थे वो शादी में, तो 2 दिन बाद आए थे। तो मम्मा कह रही थी उनके लिए कुछ स्पेशल बना दो, तो शाम को हम नाश्ता में चाय और पकौड़ा के बारे में सोच रहे थे। तो मम्मा ने पकौड़ा का जो मसाला है वो तैयार कर दिया था, प्याज काट के और उसका बेसन वगैरह मिला दिया था, और फिर मैं पकौड़ा छान रही थी देखिए। और चाय इंडक्शन पर चढ़ा के रखा है, तो देखिए फटाफट से पकौड़ा हम निकाल रहे हैं, प्याजी है ये, प्याज का बनाई हूँ तो प्याजी है। और देखिए कितना अच्छा खिला बना है और कितना चंकी है ये, बिल्कुल बहुत अच्छे क्रिस्प बना था। और फटाफट से हम लोग, मेरे हस्बैंड देखिए चाय छान रहे हैं और ये देखिए प्याजी और चाय दोनों रेडी है। तो अभी हम सभी फैमिली मेम्बर्स बैठ के और नाश्ता का मज़ा ले रहे हैं साथ में, मैं और कुहू, मम्मा और ये सबको ही हैं यहाँ पर। मम्मा अभी आ रही है, कहीं गई होंगी, अभी आ जाएंगी वो साथ में। तो हम सभी साथ में मिलके चाय और पकौड़े का मज़ा ले रहे हैं। मम्मा मूढ़ी के साथ खाती है, मेरे हस्बैंड भी मूढ़ी के साथ खाते हैं, और मैं सिर्फ ऐसे ही पकौड़ा सॉस में लगा के और चाय के साथ लेती हूँ, मैं मूढ़ी नहीं खाती इसलिए। तो देखिए हम सब फैमिली मेम्बर्स का ये क्वालिटी टाइम है, हम साथ में बैठ के चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद थोड़े टाइम तक हम बैठेंगे और साथ में बातें करेंगे, मम्मा टीवी देखेंगी, और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने के लिए चले जाऊंगी। तो डिनर भी मैं आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, मैं पूरे दिन आज क्या क्या की हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए डिनर बन चुका था, मैंने व्लॉगिंग देर से स्टार्ट की थी, मैंने कैमरा देर से लगाया था। तो ये देखिए रोटी वगैरह बन ही चुका है। सो गाइस मैंने आज डिनर की रोटी बना ली है, नाश्ता मैंने अभी आपको दिखाया था और उसके बाद मैंने ये डिनर की रोटी बना ली है, ये देखिए सारी रोटियां बन चुकी हैं। सो गाइस मैंने रोटी कर ली है, अभी मैंने आपको दिखाया, ये देखिए रोटी बना ली है मैंने और सब्जी भी हो गई है। इधर कुहू के लिए मैंने रोटी दूध में सोख करके रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो वो अच्छे से खा पाएगी। और अब मैं किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ अच्छी तरह से, ये जो आटा वगैरह फैला हुआ है ये देखिए इधर पे आटा वगैरह फैला हुआ है सारा, ये देखिए। तो ये सारे की क्लीनिंग वगैरह मैं कर देती हूँ, कुछ नाश्ता वाला, आज मैंने नाश्ते में पकौड़ी बनाई थी तो कुछ नाश्ता वाला जो यूटेंसिल्स है वो क्लीन कर दूँगी। उसके पहले मैंने सारा क्लीनिंग पकड़ दिया था, ये देखिए कुछ थोड़ा सा ही यूटेंसिल्स पड़ा है, तो ये सारा मैं क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद मैं भोग लगा दूँगी कान्हा जी को,
डिनर का, और उसके बाद उनको डिनर कराने के बाद उनको सुला के, और उसके बाद फिर मैं हम सभी पहले कुक को खिला देंगे और उसके बाद फिर मम्मा हम और ये खाएंगे। तो ये था आज का व्लॉग में मेरा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन। सुबह से रात तक मैं किस तरह सुबह से रात तक में मैं क्या क्या करती हूँ मॉर्निंग में उठने के बाद, मैंने आज मॉर्निंग से लेकर अभी रात तक का रूटीन आपके साथ शेयर किया है। सुबह में सुबह की चाय मैं आपके साथ शेयर नहीं की थी, उसके बाद जब मैं क्लीनिंग वगैरह करने लगी थी कुहू सोई थी इसलिए फटाफट से चाय वगैरह किया था, तो वो मैं आपके साथ नहीं दिखा पाई थी। और उसके बाद से जब से वो उठ गई है तो सारी घर की क्लीनिंग वगैरह करके और उस तरह करके सारा घर से स्कूल से जाने तक, स्कूल से आने तक वापस, और अभी डिनर तक का सारा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये था मेरा सारा रूटीन, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले चला जाए। जो भी न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे सभी वीडियोज़ को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी इसे देख पाए और मुझे सपोर्ट हो। तो ये अभी हैंड आटा वाला ही है, क्लीनिंग करनी बाकी है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे एक और ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट एवरीबॉडी, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ भोग लग रहा है और काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। अभी इसके बाद फ्लास्क में पानी भरना है, कुहू को खिलाना है, मच्छरदानी लगानी है, और उसके बाद फिर खुद डिनर करना है, उसके बाद सबको डिनर भी कराना है। तो फिर बहुत सारे काम हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल फिर एक और न्यू ब्रांड न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस, गुड नाइट।